मैं जरूर बोलूंगी कि आप महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। मेघवाल साहब को मैं लोकसभा में कल सुन रही थी टीवी में बैठकर, आप बड़ी बड़ी वंदना और नारी शक्ति की बात कर रहे थे, लेकिन आपकी नारी शक्ति के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है सभापति जी कि जब इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ तो हमारी महिला राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी को उद्घाटन तक में नहीं बुलाया गया। यह है आपकी नारी वंदना। 13 साल से हमारा आरक्षण, हमारा अधिकार, हमारा सम्मान से हम वंचित हैं, लेकिन मुझे आपके इस बिल में शेड्यूल नजर आता है। 13 साल से राज्यसभा में हम लोगों ने पारित किया था और आज आप इसको लेकर आए हैं, आज आप इसको लेकर आए हैं। अरे प्लीज सुनिए ना, आज आप इसको लेकर आए हैं 9.5 साल के बाद। 2014 में आप सत्ता में आए, आपके मैनिफेस्टो में था महिला आरक्षण देना है। 9.5 साल क्यों लग गए? मेरा पहला सवाल आपसे यही है। दूसरा सवाल, महिला आरक्षण के लिए आपको स्पेशल सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? प्रचार करना था, जो लाइमलाइट लेने की आदत आपको हमेशा से रही है, इसमें भी महिलाओं को भी आपने यूज किया है। तीसरा सवाल, आपने कहा जातीय जनगणना और परिसीमन का पेच जो आपने लगाया है, क्यों लगाया? मैं आपसे पूछती हूं, आपने इसका जवाब दे रहे थे कल कि अगर हम ये नहीं कहते तो आप पीआई लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते। अरे आप तो वो लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी लगाने से पहले किसी से चर्चा भी नहीं की और 155 लोग लाइनों में मार दिए, तो अभी ऐसी कौन सी बाधा है? आप वो लोग हैं जो किसान का काना कानून लाने से पहले किसी से नहीं पूछा, 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन वो आपकी बाधा नहीं बनी। 1 साल तक लगातार वो सड़कों में बैठे रहे। मैं आपसे सवाल करती हूं कि फिर महिलाओं के रिजर्वेशन के अधिकार में यह परिसीमन की, यह जनगणना की, सीट के रोटेशन की जो आपने बाधा लगाई है, क्या यह चुनावी एजेंडा है 2024 का, जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ झुंझुना दिखाना है? मैं आपसे आपकी नियत और अपने कांग्रेस की नियत के बारे में सफाई देना चाहती हूँ, उदाहरण देना चाहती हूँ। आप महिमा मंडल कर रहे हैं कि आप महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आए, लेकिन मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि 9 मार्च 2010 में जब UPA 2 राज्यसभा में जब ये बिल पारित हुआ था, यानी सत्ता में आने के 1 साल के बाद, यानी कि हमारी मंशा आने वाले लोकसभा में इसका प्रचार करना नहीं था, 10, 11, 12, 13, 14 में चुनाव था, हम सिर्फ और सिर्फ महिला को सशक्तिकरण करना चाहते थे। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना, परिसीमन, रोटेशन को दरकिनार करके आप महिला को आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसका मतलब है आप पुरुष के हिस्से में से महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। आप परिसीमन करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, उसके बाद आप महिलाओं को एक अलग से हिस्सा देंगे। आखिर क्यों नहीं आज के हिस्से में आप महिलाओं को हिस्सा देना चाहते हैं?